प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेलवे देश की ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभा सकता है और इस दिशा में रेल मंत्री अहम योगदान दे रहे हैं। हमारे सुरेश प्रभु जी ने रेलवे में भी सचमुच में उत्तम काम करके दिखाया है। पहले रेलवे का एक्सपांशन, गेज कन्वर्जन, डीजल इंजन से इलेक्ट्रिसिटी इंजन की तरफ जाना, इन सारी बाबतों में एक उदासीनता थी। आज गति आई है और उसके परिणाम भी नजर आने लगे हैं। ब्लैक मनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। खरीदने के लिए ज्यादा स्टैंप ड्यूटी अब चुकानी पड़ सकती है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर 1% स्टैंप ड्यूटी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। इस बारे में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही नया स्टैंप ड्यूटी रेट लागू होगा और इसके लागू होने के बाद मुंबई में प्रॉपर्टी पर स्टैंप ड्यूटी रेट 6% तक हो जाएगा और इससे होने वाली कमाई से सरकार राज्य के बड़े ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट को फंड करेगी, जिसमें मेट्रो और मोनोरेल कॉरिडोर भी शामिल है। बढ़ते अब आगे, रिजर्व बैंक ने फेस्टिव सीजन में घर खरीदारों को बड़ा तोहफा दिया है। यानी अब 30 लाख रुपए तक के घर के लिए बैंक 90% तक फाइनेंस कर सकेंगे। इसके पहले आरबीआई ने ब्याज दरें घटाकर होम लोन ग्राहकों को राहत दी थी। यानी अब घर खरीदने के लिए